अक्सर देखा कि जब कभी मैडम दास हमारे पास स्टूडियो में रही हैं, हमने अक्सर उन विषयों पर बात की है जो हमारी लाइफ को और अधिक साधने में सहायक साबित हो सकती है। आज हम लोगों ने ये तय किया कि हम उस विषय पर भी बात करें जो आज के नौजवानों से संबंधित है। इस बात को मद्देनजर में रखते हुए मैडम दास हमारे साथ इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं पुनः उनका स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि वो सेकंड सिटिंग में हमारे साथ बैठ रहे हैं और ऐसे विषय पर बात कर रही हैं जो कि नौजवानों से संबंधित हैं। मैडम अनुराधा दास, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रिविलेज। आज हम यंग लोगों की जो यंग जनरेशन की जो स्ट्रगल है और हम उनको कैसे गाइड कर सकें उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी गंभीर जी जी कि आप मैंने अभी बैक स्टेज मैंने सुना कि आपकी ड्रास्टिक चेंज आया जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया जी एंड यू बिकेम ए टॉपर। यस सो कैसे वो स्विच हुआ वो यस बताएं। देखिए, मैं आपको इसका बहुत ही कंक्रीट उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो शायद मिस्टर प्रवीण ने भी अब तक आपको नहीं बताया। आप देखें, जिस स्कूल सेंट माइकल स्कूल न्यू कॉलोनी गुड़गांव में हम लोग पढ़े और मैट्रिक तक हमने वहां शिक्षा प्राप्त की, बाद में मेरे बड़े सिस्टर वहीं टीचर बन के चले गए। जब मेरे सिस्टर वहां के स्टाफ को ये बताया करते थे कि मुकेश ने आज इस डिबेट में, इस डेक्लमेशन में अवार्ड लिया है, या वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में जीता है, या उसकी ये अचीवमेंट है, तो हमारे जो क्रिश्चियन पादरी प्रिंसिपल थे वो कहा करते थे, आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम मुकेश हु वॉज ए स्टूडेंट हियर। तो कहने का मैं आपकी बात की पुष्टि कर रहा हूं, सच ए ड्रास्टिक चेंज वॉज दे। और अगर आज रेट्रोस्पेक्टिवली मैं एनालाइज करूं तो मुझे उसका कारण ये नजर आता है कि हर शख्स अटेंशन चाहता है। जब उसको शरारतों में अटेंशन मिलती है वो उन शरारतों को करता है, और जब वही अटेंशन उसे क्रिएटिव काम में मिलने शुरू हो जाती है तो क्रिएटिव काम करने लगता है। आप देखिए मैडम दास, मैं माई फ्रेंड प्रवीण इज ए विटनेस टू दैट। कॉलेज में जाकर हमारे चार ऑनर्स बोर्ड लगे हुए, मैं अपने बच्चों को भी कई बार ये कहा करता था कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज के लिए बूस्ट कर रहा हूं, तुम आज भी मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में चलो और वहां के सभी ऑनर्स बोर्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ मिलेगा। आई वॉज द बेस्ट स्पीकर ऑफ माई कॉलेज, आई वॉज ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, प्लस आई गॉट फर्स्ट क्लास इन MA। उस बात का भी ऑनर्स बोर्ड पर मेरा नाम था। जी इस तरह से मेरे जीवन में, स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में जमीन आसमान का अंतर आया। और मैं अगर बाकियों को इसका उदाहरण देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि आप एवरीबॉडीज अटेंशन सीकर, पर्टिकुलरली एट दैट एज व्हेन यू आर इन द स्कूल, अगर आप क्रिएटिव काम में लग जाते हो तो आपको वही अटेंशन पॉजिटिव वे में मिलनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज शरारतों के माध्यम से आप खुद तो प्लेजर लेते हैं, हालांकि कई बार वो प्लेजर भी मॉर्बिड प्लेजर होता है, लेकिन फिर भी आपको अगर डिस्टिंक्शन ना हो पाए तो
तो आप उसी काम में लगे रह जाते हो, और अगर उसकी रिकॉग्निशन हो जाए दैट रियली प्रूव्ड ए स्ट्रेंथ फॉर मी एंड आई स्विच्ड ओवर टू सच क्रिएटिव एक्टिविटीज. साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स विच वर परहैप्स रेड बाय my lecturers at that time. Wow. And that you know gave me so much good position in my college that I owe much to my college for all my success in life. Wow. The parents were watching. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब अगर आपका बच्चा attention seek कर रहा है, yes, तो आप देखिए कि कैसे आप उसको क्रिएटिव बनाएं. Yes. मुझे तो ये क्लियर, मुझे अपने लिए भी क्लियरली फील हो रहा है. Yeah. कि अगर वो अटेंशन सीख कर रहा है, ही इज नीडिंग समथिंग. Yes. सो उसको क्रिएटिव टर्न दीजिए आप. Yeah. देखिए कि क्या वो अच्छा कर सकता है. Yes. व्हाट इज ही गुड एट और शी इज गुड एट. फिर उसको आप सेल्फ ऑटो इंस्पिरेशन जो आप बता रहे थे, सो ऑटो इंस्पिरेशन मोड पे उसको लेके आइए. गंभीर जी, एक चीज मैंने बहुत अच्छा आप दोनों में नोटिस किया है फ्रेंडशिप के बारे में, और आपने इतने सालों अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन कैसे किया, प्रवीण जी आप बताएं. मैडम, एक तो वी वर ऑफ कोर्स आज के दिन में वी आर फ्रेंड्स. वी स्टार्टेड आवर फ्रेंडशिप इन 9th क्लास. दैट वाज प्रोबब्ली 65 66. आई थिंक वी वर पोजेसिव. Till today we are possessive about each other, but we were not jealous with each other. Because I had my own limitations. I come from a middle class family. Ji. I had one motto in my life. I have to earn money. Money was the sole criteria in my life. Okay. I earned probably lakhs of rupees. And I was successful. Apne hisab se I was successful. Whereas he comes from a good family, like अच्छी family से नाम था. शरारतें हमने, जैसे we were discussing, 9th class से इकट्ठी करनी शुरू करी. कुछ कैमरा पे लाने वाली शरारतें नहीं है जो हमने करी. Probably we don't have any regret कि हमने ये नहीं करा. You enjoyed your life. Absolutely enjoyed. With शरारत. बिल्कुल, आजकल के बच्चे वो खराब कर देंगे हम बच्चे अगर हम शरारत सुनाएंगे. प्रवीण जी, ये बताएं कि आपने अपनी फ्रेंडशिप को इतने साल लास्ट कैसे कराया, लाइक कैसे आपने उसको लाइक लंबा समय तक जारी रखा. वी डिडंट हैव एनी ईगो. बिल्कुल भी, कभी भी कंपटीशन मेरे दिमाग में नहीं आया. नो जेलेसी. नो जेलेसी एट ऑल. आज के डेट में हम इमीडिएटली अनफ्रेंड कर देते. नहीं ऐसा. और ब्लॉक कर देते. वो जो फेसबुक फ्रेंडशिप नहीं थी ना हमारी. जी. Can you believe it? He passed his SCS exam. I had 2 rooms at. He studied there. Aur main tour pe chala gaya Shimla. My wife is sleeping in other room. Ji. He is studying in other room. Trust. Trust. Wo iske knock karta, bhabhi mere ko doodh de dena. Matlab we had this type of friendship. Aur main Chandigarh se aata tha. I made it a point ki I should visit him at Bhiwani. How many years of relationship? 60 years. जो की यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. हम आपसे सुनना चाहेंगे की क्या क्या स्ट्रगल्स आप अपने जनरेशन में फेस कर रहे हैं. मैं यश को पहले बता दूं. यश, आई डोंट नो आपका कितना पुराना फ्रेंड है, उसके बारे में बताइए कितनी पुरानी फ्रेंडशिप है, तब आप आगे चले गए. जो कि आपका क्लोज फ्रेंड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल फ्रेंड. बिकॉज मेल फ्रेंड के साथ आप कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. गर्ल फ्रेंड के साथ आप हमेशा गाप में जाते हैं, अपनी वीकनेसेस नहीं बताते. हम आपस में अपनी वीकनेसेस भी बताते थे. I think you both were transparent. Yes. No jealousy. Yeah. No jealousy. Ego problem. Yeah. And you were happy with each other's success. Yes. I'll tell you a very, very interesting subject. When I started earning. You was the first among friends who got that job. And my first salary was 1,000 rupees in 72. Yeah. You can imagine, you can multiply that. So, paisa mere dimag mein chad gaya. And we used to write letters to each other.
एंड अगर आपको लेटर, अब तो वो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, अगर आप तो देखें तो लगेगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने लिखे एक दूसरे को। मैं जब पैसा मेरे सिर पे चढ़ा हुआ था, यू अंडरस्टैंड द ग्राफ पेपर, व्हाट इज ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर इज स्क्वायर्स बने होते हैं, ही रोट ए लेटर ऑन दिस कि डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस स्क्वायर्स। ही रोट ए लेटर ऑन, ही सेंट ए कार्ड ऑन माय बर्थडे wishing you happy birthday. Interestingly, we have a common date of birth, 8 September 1950. We have a common date of birth. Date, month and year. It's same. Wow. Yes. He, abhi tak mere ko Mukesh ki writing bhi yaad hai. He wrote a card to me, happy birthday. Bracket mein likha hua tha, balance of personality. That showed ki paisa tere sir pe chal raha hai. इतना ज्यादा नहीं था बट उन दोनों के हिसाब से बहुत था, तो हमारे इतना अधिकार भी था एक दूसरे के ऊपर, वी कुड डिक्टेट, वी कुड टेल, एंड वी हैड डिसाइडेड कि वी विल मैरी अ गर्ल ऑफ अदर चॉइस, ईच अदर चॉइस। आजकल नहीं होता है। यस, कमिंग टू यू, लेट्स सी। बेसिकली जैसे सर ने बोला ऑफ माय फर्स्ट फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, तो बेसिकली आज की जनरेशन में आप दोनों से जो फर्क है वो ये है, मेरा जो दोस्त बचपन से रहे हैं आज उनमें साथ, आज मेरे साथ साथ कोई भी नहीं, और उनमें से एक फीमेल फ्रेंड थी जो मेरे साथ ही आई गेस एक दो दिन आगे पीछे पैदा हुए होंगे एंड अब तक साथ है, बट वो दैट गर्ल इज आल्सो लाइक जस्ट मीट्स मी ऑन एनी ओकेजन, क्योंकि हम एक ही ब्लॉक में रहते हैं तब भी साल में दो तीन बार मिलते हैं, जस्ट कोई ओकेजन हुआ लाइक वी मेट ऑन दिवाली, नाउ वी मीट ऑन होली और समथिंग लाइक दैट, हम नहीं मिलते हैं। And basically, जब when we grow up, when I change schools and सब चीजें, तो उसमें आपको आज की डेट में जज किया जाता है अपनी, मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं औकात, उस शब्द के हिसाब से आजकल आपकी दोस्तियां होती हैं। क्योंकि आप जैसे अगर हम किसी एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर लेते हैं कि जो हमसे काफी रईस है या हमसे अमीर है, तो बाकी लोगों के ये होता है कि चमचा जैसे आजकल बहुत बोलने लग गए हैं, वी वॉन्ट रिस्पेक्ट कि यार वो दोस्ती है, वो एक दूसरे के पैसे या फिर किसी नीड के लिए नहीं है। So I just had two people, sir, answered you, and the other friend, he was sick, I would not name him, but in my first project, when I went into music industry, us first project mein hi kuch aisa ho gaya tha, jis wajah se hamari dosti khatam ho gayi thi, but we were those people ki a call mein bhi, we used to be there, koi ladai ho gayi, haan bhi aa rahe hain, kuch aisa type ho gaya, but wo ek cheez mein, when he was lying about something, and he knew he was lying, बट फैमिलीज के सामने यू कैन नॉट डिनाई, क्योंकि फैमिलीज से सही रहना है, उनसे लड़ाई हो जाएगी वरना अगर सच बोल देंगे, आई रिस्पेक्टेड दैट, बट उसमें माई फैमिलीज वर ऑल्सो इन्वॉल्व, तो वहाँ से आज की डेट में हम ये सीखते हैं कि दोस्ती उसी हिसाब से चलती है जिस हिसाब से नीड है। अब ये दोस्ती में ना ईगो छोड़नी पड़ती है आपको, यू हैव टू लीव ईगो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, हम लोग यश कितने पोजेसिव थे, प्रॉब्ली 60 साल में एक बार हमारा झगड़ा हुआ है, दैट टू प्रॉब्ली वी वर इन नाइंथ और टेंथ में थे, कैन यू बिलीव इट, ही डिडंट स्पोक इन पब्लिक, कहता यार हम लोग विलेज साइड से थे, खेतों में लेके गया, कहता है यहाँ सॉल्व करके जाएंगे झगड़ा। दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ यू हैव एनीथिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड, take him in person and talk about yes, it. Yes, about it. Kata, don't publicly embarrass. Iske baad, kal ke baad is topic ko dobara nahi uthaya jayega. So that was our friendship. I think it's a two-way relationship. Yeah. Akele nahi rakh sakte aap 60 saal. Ego wala cheez jo hai, jaise in my family also have heard ki ego jahan aa gayi wahan pe rishte khatam hai. Khatam. Kyunki fir aap adjust nahi karoge ek dusre se, aap sochoge and basically aaj ki generation jo web series hum dekhte hain aajkal. Yes. Usme I would like to name a web series, College Romance karke ek web series thi. Jo kafi teenagers ne kari thi and they were of West Delhi of my area only and known to me. तो उनमें भी एक लाइन एक सीरीज में बोली गई थी कि अगर आपको इज्जत चाहिए ना तो ईगो रखनी पड़ती है, बट आई वॉन्ट टू क्वेश्चन कि अगर उस ईगो की वजह से जो आपका मेन इंसान है वो आपसे दूर हो गया, वो आपको चलेगा, तो ये क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू पुट ऑन दैट एंड आई हैड केप्ट दैट क्वेश्चन इन दैट यूट्यूब वीडियो आल्सो उनकी सीरीज की, कि अगर ईगो से वो इंसान चला गया तो क्या होगा। I think we should value relationships exactly. more than ego yeah. to chhodni padegi yes, yes. koi bhi that we can discuss personally kahan yeah. ego aayi yeah. I can answer you that yeah.
अच्छा जहाँ तक तुमने बात करी चमचे की, चमचा बनने की, तो I was never a chamcha, but it was that was I'm telling the difference of your generation and our generation. हाँ, नहीं नहीं आपकी generation जो है ना, हाँ sorry. Yes, मैं एक बात इस relationship जिस पर हम बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ और ये analyze करता हूँ, not only with friendship, with any person who comes to meet me. कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं उसको अपने साथ बिठा के उसको छोटा महसूस करा रहा हूं, या मैं अपनी इंपॉर्टेंस को उसके ऊपर इम्पोज कर रहा हूं. मेरे से प्रवीण अक्सर कहता है कि तुम में बहुत पेशेंस आ गई है. ये पेशेंस इस कारण आई है कि ह्यूमन रिलेशंस को समझते समझते मुझे ये बात समझ में आई है कि आप दूसरे आदमी को जब उसकी बात कहने देते हैं तो उसको ये लगता है कि मेरी बात को आगे वाला आदमी समझ रहा है. और जब आप ये बात दूसरे को जेन्युइनली जो है वो एहसास करा देते हो तो मैं समझता हूँ जो भी जिससे भी मुकेश इंटरव्यू ले रहा होता है, व्हेनेवर ही और शी इज स्पीकिंग, पहला वर्ड जो मुकेश के मुंह से निकलता है यस, दैट स्पीक्स ऑफ He is making everybody comfortable. Ego नहीं आती है मुकेश में. First he'll say yes, then he'll talk. So I think we are drawing your attention, our viewers, to being a people person, giving value to the relationship. Yes. क्योंकि जिंदगी एक ही बार है, exactly. सब कुछ खत्म हो जाना है एक टाइम पे. Especially the young generation, I would request that. Have a lot of patience. Yes. Hear the other person out. Exactly. And value the person who is there in your life. It's very easy to unfriend. Yes. Very easy to block. Yeah. But how about going into their shoes and understanding yes. them? Yes. So this is what I would suggest. Yeah. I would like to add on. Due to all this, we yeah. face the early age job conditions. Mm. Due to all of this, because as I mentioned, लोग औकात देख के दोस्ती करते हैं. कि यार हम इसके साथ चलेंगे तो हमारी कितनी इज्जत रहेगी. तो वो चीज इसके ऊपर भी हम बच्चे सोचते हैं कि यार 20-21 साल में लाइक इफ यू सी न्यूज 17-18 साल के बच्चे लाख लाख का मतलब बिजनेस बना लेते हैं. वो चीज करते हैं क्योंकि उनका वो बचपन खत्म हो जाता है. इन अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव लॉस्ट माय यू नो चाइल्डहुड. मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया. कुछ चीजें अपने आसपास देख के मैं बहुत जल्दी बड़ा हुआ. मैंने सोचा कि मेरा तब दिमाग में था कि एट 19 ईयर्स और 20 ईयर्स मुझे एटलीस्ट इतना एजिटेट कितना होता है मिडिल क्लास की 10-15 हज़ार मैं शुरू कर दूँ अर्निंग एंड 24 तक तो मैं उतने लेवल पर पहुंचू जितने में मेरे डैड. ये सबके एक मिडिल क्लास बंदे का रहता है कि हाँ उतने में हो जाएगा ना तो मैं अपने घर वालों को तंग बोझ नहीं लगूंगा. आजकल गर्ल्स ही नहीं बॉयज भी घर वालों के लिए बोझ बनने लगे क्योंकि मिडिल क्लास में आप घर भी संभाल रहे हैं बच्चे को भी संभाल रहे हैं और एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं. सैलरीज नहीं बढ़ती एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. तो उस चीज में हम मिडिल क्लास लोग डील करते हैं. वी डोंट थिंक लाइक me personally my family has never forced me for job right. my mom has never forced me job like not dad ki tu abhi kar tujhe padhna hai tu aur pad but as me I feel ki yaar mujhe inse paise nahi mangne right ab main 21 saal mein 22 saal ka ho gaya hu mujhe nahi ab main apne aap kamaun main apna kharcha nikalu they would be proud right ab for me if I have bought anything mere liye wo bahut badi achievement hai yes but mere ghar wale sochenge abhi need nahi. तो इस चीज में हम सोचते हैं अब वो हम उनको नहीं समझा सकते कि यार हमारे दोस्त ऐसे कह रहे हैं तू तो कुछ भी नहीं कर रहा. एंड कंपटीशन ये कॉलेज के बाद चार दोस्तों की जॉब लग गई है मैं क्यों अकेला बैठा हूं. एग्जैक्टली यस वो उस चक्कर में वी लूज आवर चॉइस. यस देखो आपके जो दोस्त हैं आई विश दैट के पुराने जैसे रहे पर जो दोस्त तुम्हारे पे सितार मारता है ना इज नॉट योर फ्रेंड. ही इज नॉट योर फ्रेंड. आजकल के आपके जैसे दोस्त जो है ना दे गो इन फॉर इससे मेरा मतलब है तो इसका फायदा उठा लो. प्रवीण शायद रेडियो में काम आ जाए तो उसका फायदा उठा लो. नहीं प्रवीण को हटा दो मुकेश गंभीर को डायरेक्ट अप्रोच करो. मैं आई एम टेलिंग यू लाइव एग्जांपल. बिकॉज
हम लोग जो है मतलब देखते हैं, वी सी मतलब, इससे मतलब यशन मतलब है, ठीक है, किससे मतलब है, एवरीथिंग चीज से भी सेल्फलेस, या सेल्फलेस नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, नहीं है, सब लोग खो देते हैं जी, आप दोस्त रहो, काम तो होते रहेंगे, काम इंसान है आपके, हां बिल्कुल, और देन इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, यू नेवर नो कब आपको फिर दोबारा वही दोस्तों की सीख करना पड़ जाए। Coming back to the first question, when yes. you talked about your switch in your career, I yeah. would request you to tell the audience and the young generation that discipline ne aapki life ko kaise help kiya and you became an IAS officer. Dekhiye, Madam Das, I after rather from student life onwards, I wanted to be a lecturer. I used to say that I am born to be a lecturer. After serving for 8 years as a lecturer in different colleges, I got married with a lady doctor who was a government doctor. So, at that stage, it struck in my mind that if she is transferred from Bhiwani to some other place, I will stand nowhere. Because in Haryana job, if husband wife both are working, then they are being given one stage. So that was one single motive behind my thinking that I must switch over from a private lecturership to the government job. And first I tried for IPS exam, couldn't clear it. Then I tried for Haryana Civil Services. And in that I was placed as Excise and Taxation Officer. And I started that job from 79 onwards and ended at 2008. I started as ETO and retired as Joint Commissioner Excise. So during college life as well as during my tenure of Excise and Taxation Officer, you are supposed to be in a disciplined life in number of ways. You have to work in such a department which is vulnerable to so many things. So you have to maintain the discipline. Of course, it was a very thin line in which you have to walk, maintain the balance. And this is how life went. So, as per your question, I'll answer in this way, that discipline is required. As we were discussing in the earlier topic, that we must pine for something which we are really looking for. But simultaneously, we must appreciate our plus points, which are being given by Almighty to you, and then you can go ahead with that. But with most, you have to undergo political pressure also. Yeah, you have to maintain that difference also. Yeah. Because I am witness to it. Yeah. He bore political pressure as well. Yeah. I'll not like to elaborate on this, but in one occasion we were together. So discipline of thoughts, discipline of life, discipline of choices. So, coming back to Yash and your generation, what are the other struggles that your generation facing? Because I would like our elders also to answer. Mainly, how to deal life. We earlier our families used to tell us, their kids, ki how you have to live life. Mm-hmm. But now you live life according to the people around you, yeah. And that spoils you. What I have also experienced. The peer pressure. Yeah, the peer pressure. And due to that, we forget all our passions. We forget all our hobbies. And we are just like, kuch to karna hai, aur na ghar wale bahar jaake kya bolenge. The main problem jo badh gayi hai,
वो यही है कि दूसरे क्या सोचेंगे कि आपके लड़के को आपने इसकी पढ़ाई कराई पर वो सिंगिंग कर रहा है, आपने अपने लड़के को ये काम कराया बट वो फिल्म मेकिंग कर रहा है, बट उसमें जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, बट वो उसमें भी काफी ऐसे आर्टिस्ट है सक्सेसफुल होने के बाद भी दे डोंट यू नो क्रेडिट देयर मॉम डैड, क्योंकि वो कुछ और चाहते हैं, एंड फिल्म मेकर बनने के बाद भी उनको ये बोलते थे कि इसमें करता तो शायद और तेरा कुछ ज्यादा हो जाता, तो डीमोटिवेशन आजकल काफी है पेरेंट्स की तरफ से भी है। I will not say this personally, but yes, I have seen a friend of mine जो अभी काफी अच्छा सिंगिंग में है, has millions of followers, but आज भी उसके grandparents and father यही बोलते हैं कि तुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए था, तू मेरा बेटा नहीं है, but they are not seeing कि वो करोड़ों में कमा रहा है, उसके बाद घर खड़ा कर लिया। Yes, parents probably will not understand that कि millions of followers क्या matter करता है, but you have to overcome that. आप उसको अपना वो if it applies on you, don't make it this कि जो मेरे complex नहीं आना चाहिए, you should have come out of this complex. Like whenever I meet him because he lives in my area only, so he always used to cry. एक time था जब हम एक साथ struggle करते थे, हम रात भर हम जागे हैं studios में कि गाने बनाने and उसमें हम जागे बहुत ज़्यादा। मैं उस चीज़ से हट के arjing में आया, but वो अभी भी वहीं रहा। बट आज उसने अपने 3 मंजिला घर खड़ा कर लिया, बट स्टिल हिज फादर इज सेइंग टू द डॉक्टर ही करना चाहिए था तो मेरा बेटा नहीं। मैंने कहा सब क्या चाहते हो आप, घर खड़ा कर दिया, गाड़ियां खड़ी हैं उसके नाम पे, आपसे कुछ नहीं ले रहा, इसमें भी आपको प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम यू ब्रिंग हिज फादर इन रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स दैट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, एंड इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग थ्रू मिडिल एज क्राइसिस, आई वुड वांट टू सजेस्ट यू दैट कोऑपरेट विद द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। परहैप्स आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, चले गए हैं, आप अकेले हैं, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों के साथ, या फिजिकल स्ट्रगल्स हैं, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू बी सेंसिटिव अबाउट द पीपल अराउंड यू, क्योंकि अगर हो सकता है आप अगर रिलेशनशिप्स अच्छे रखें तो फ्रेंड सर्कल आपका सपोर्ट हो सकता है। बट एक्टिविटीज को आजकल फैमिलीज नहीं मानती, वही डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये सब आजकल फैमिलीज लगता है कि यही सब चीजें हैं, और जो एक्टिविटीज हैं वो आपको कोई आगे रिजल्ट नहीं देंगी, उससे आप अपनी फैमिली नहीं पाल सकते, उससे आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक थॉट मैंने हर जगह देखा। नो, हमारे जनरेशन में भी था, मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर ही बनूं, सो बट यू शुड लेट व्हाट चिल्ड्रन जो मैं करे। मैडम दास, जिस विषय पर बात हो रही है इसमें मैं अपनी रुबाई कोट करना चाहूंगा। रुबाई है कि मेरी शायरी को सकून देती, रग रग में मेरे नया खून देती। अब वो लाइन बोल रहा हूं जिसमें आपको आपकी बात का आंसर मिलेगा कि दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जुनून देती। तो बात ये है, अल्फाज में जुनून लेना या गाने बनाकर जिंदगी में आनंद लेना, वो अलग तरह की क्रिएचर्स की पैशन हो सकती है। लेकिन जो लोग वर्ल्डली वाइज हैं, राइट, वो मैं एक बात और कहा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारी होशियारियां मुबारक, हमें हमारी नदानियां मुबारक। तो ये जो नदानियां है ना कि आप म्यूजिक के किसी क्षेत्र में लग जाओ, वो उन लोगों को समझ नहीं आती जो जीवन में पैशन की वैल्यू नहीं करते। I would suggest don't give up on your passion. अमेरिका में जब मैंने फिल्म मेकिंग शुरू की, एक चीज मैंने अमेरिकन्स में नोटिस किया कि जितने भी एक्टर्स ऑन बोर्ड मैंने लिए थे अमेरिकन्स, they all were working. कोई आर्किटेक्ट था, कोई प्रोफेशनल था, कोई नर्सिंग होम में काम कर रहा था, सो ऑल ऑफ देम वर वर्किंग and they were pursuing their career because America is very expensive. Exactly. So all of them were so supportive, we could finish our movie very fast because they were professionals and they, at the same time they knew the value of time and money. So वहाँ से एक चीज मैंने सीखी कि आप जरूर अपने passion को pursue कर सकते हैं. And while you're waiting to be successful, आप छोटा मोटा साथ में जॉब भी कर सकते हैं। Exactly. But अपने पैशन को मत छोड़ो। I'll like to add one thing. You should have dignity of labor. Whatever small or big you're doing, you should have dignity. Yeah. Because when I got selected as a medical rep, I didn't know the
meaning of medical rep. Yeah. What medical rep does, probably as Mukesh said, I was the first one to start job. I didn't know. I was selected. I went to Bombay for training. I didn't know what I am supposed to do. Yeah. But I had dignity of labor because जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल रहा था. यश जो तुम्हें चाह रहा है पैसा इट इज बाउंड टू कम. इफ यू आर हार्ड वर्किंग इट इज बाउंड टू कम सूनर और लेटर. इट इज बाउंड टू कम. राइट. मेंटेन योर पैशन और जैसे मैडम कह रही हैं लगे रहो. I don't disvalue all these things. Like, I give value to all that I have while I'm waiting for my dream to come to pass. Yeah, I think yeah. that helps. Yes. That helps financially also. That helps you emotionally also. That you are exactly. doing something. अभी मैडम हम बात कर रहे थे. We were discussing. आप चार कोटे बताया आपने. पता नहीं कहाँ से आपका destiny अंदर enter हो जाएगा. Yeah. And you will be successful. Yeah. तो यश. Yeah. So mainly we also learn from our parents. But we cannot explain them ki what we have learned from you. Right. Yeah. But we have, like if I just say one example, like my dad and my mom, they both are in you know, different industries. My father is in sports industry, my mom is in normal say service industry. So they see that I am from a total different industry. जिनका उनको कोई link नहीं है. But हाँ, उन्होंने एक चीज बोली है कि शुरुआत तुझे करनी है, मेहनत तुझे टोक के रखी. Like my dad wanted to be in Indian cricket team. But still he is coaching many cricketers and doing everything. वो अपनी मेहनत से वहाँ टिक गए. Same with my mother. और जब आप मेहनत करोगे तो फिर भगवान भी आपके साथ. Yeah. Sure. So ये चीज़. So closing the conversation, I would like to thank you everyone, like Ambiji, yes, thank you for bringing the young man's perspective. Thank you, Praveen ji. And मैं सारे parents को encourage करना चाहती हूँ. ये dedicated है आपके लिए parents को कि अपने बच्चों को बहुत तसल्ली से बहुत carefully handle करिए और उनको encourage करिए जिंदगी में कुछ बनने के लिए. क्योंकि बहुत सारे young generation में देखा गया है कि बच्चे suicide कर रहे हैं और they are getting into depression. अगर हम थोड़े से thoughtful हो जाएं तो हम जरूर इसको रोक सकते हैं. और आज हमारे जो एक्सपीरियंसेस हमने सुने प्रवीण जी से और डॉक्टर गंभीर जी से, आई थिंक ये एक्सपीरियंस जरूर आपको हेल्प करेंगे. और यश की जो प्रस्पेक्टिव है यंग जनरेशन का, वो भी आपको हेल्प करेगा. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू. मैडम दास, जहां पर आपने कल कंक्लूड किया है, मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा. और ये वाली बात मैं कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना था. एक घुड़सवार रेगिस्तान में अपने घोड़े पर भागा चला आ रहा. उसको महसूस हुआ कि उसका घोड़ा जो है वो पानी पीने के लिए हांफने लगा. उसने देखा कि दूर एक राहट चल रहा है. उसने अपना घोड़ा राहट के पास जाके खुला छोड़ दिया. लेकिन घोड़ा जैसे ही रहट के पास पहुंचा, वहां के जो रहट की टिक टिक थी उससे डर कर वो पीछे हट गया. घुड़सवार ने रहट वाले से कहा कि आप रहट को रोकिए ताकि मेरा घोड़ा पानी पी सके. रहट वाले ने कहा कि अगर मैंने रहट को रोक दिया तो पानी आना बंद हो जाएगा और ये पानी नहीं पी पाएगा. मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन रूपी प्यास को बुझाने के लिए आपको टिक टिक को भी सुनना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा जी. और साथ साथ सारे काम चलने. वंडरफुल एग्जांपल. कारण ये है कि हमें अपने पैशन को भी प्रसू करना है, हमें अपने को हिंदुस्तान में जॉब को भी अचीव करना है. और जैसे मैम ने एग्जांपल दिया कि जब ये अमेरिका में जाकर एक फिल्म को बना रही थी तो वहां बहुत से लोग जो अपने जॉब में थे साइमल्टेनियसली वो साथ साथ आके एक्टिंग भी कर रहे थे. तो मेरा ये मानना है कि जीवन रूपी प्यास को पूरा करने के लिए आपको रहट की टिक टिक भी सुननी पड़ेगी और पानी भी पीना पड़ेगा और आगे भी बढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट मैसेज फॉर यू.
the story is this is for everybody. नहीं but yes. young generation को yeah, हमने तो रैट की आवाज़ें सुन के यहाँ पहुँचे हैं. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया.